बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने बीतक के अवतरण की भूमिका, उसके पश्चात किन परिस्थितियों में बीतक का अवतरण प्रारंभ हुआ, जिन तीन स्वरूपों का वर्णन इस बीतक में किया जाएगा वे तीन स्वरूप कौन कौन से हैं, चार युगों के राजाओं की कितनी संख्याओं का वर्णन है, उन राजाओं का वर्णन करने का क्या प्रयोजन है, और उसके पश्चात इस खेल के बनने के कारण और उस कारण के भी कारण की चर्चा सुनी थी। अब आगे महामति श्री लालदास जी उस दिव्य ब्रह्मपुर जिसको कि स्वलीला अद्वैत की भूमिका अथवा मूल अद्वैत की भूमिका कहा जाता है, वहां हुई प्रेम रब्द का सांकेतिक रूप में वर्णन करते हैं। कल की चर्चा में हमने जिसका हल्का सा स्पर्श मात्र किया था, चौपाई कह रही है कि पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क तहां प्रेम रब्द में भया हुकम हक। प्रेम रब्द अथवा प्रेममय संवाद अथवा इश्क रब्द, इसकी भूमिका कैसे बनी, क्योंकि रब्द अथवा विवाद जहां एक हो वहां नहीं होता, अपितु जहां दो अथवा दो से अधिक हो वहां होता है। परमधाम चूंकि स्वलीला अद्वैत है अर्थात राज्य ही श्यामाजी ब्रह्म सृष्टिया 25 पक्ष वहां के कण कण के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उसमें विवाद की अवस्था कैसे। तो विवाद ऐसा नहीं जैसा हम सामान्य बुद्धि से समझते हैं। हमें अगर कहा जाए कि विवाद किसे कहते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं मौखिक झगड़े के रूप में समझेंगे कि परमधाम में ऐसा झगड़ा हुआ होगा कि नहीं तेरा प्रेम बड़ा है मेरा प्रेम बड़ा है, ऐसा नहीं। यह केवल समझाने के लिए विवाद शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कोई ना कोई शब्द तो प्रयोग करना ही पड़ता है। प्रेम संवाद है, विवाद नहीं है। संवाद का मतलब है प्रेम के विषय में बात करना, सम्यक रूपेण, सम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से। प्रेम के विषय में बहुत अच्छे से बात हुई कि कौन अधिक प्रेम करता है, केवल यही बात है। और इसमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन मूल जो हृदय है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि पूछा जाए हमसे तो हम किसको कहेंगे, हृदय को, क्योंकि हृदय से सभी अंग जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे दूसरे अंगों का महत्व कम नहीं हो जाता है। अब चूंकि शरीर का दृष्टांत भी यहां समझने के लिए दिया जा रहा है, चूंकि ब्रह्म पूर्ण है, इस संसार में तो शरीर का यदि कोई अंग ना हो, अपांग हो करके भी जीवित तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तो पूर्ण है। हम क्या कहते हैं, पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा भाग कुछ भी किया जाए तो बचता कितना है, पूर्ण ही शेष बचता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं उनके ये अंग नहीं है वो अंग नहीं है।
वह परब्रह्म ही सच्चिदानंद रूपों में विभक्त होकर के लीला करता है। और लीला कैसी, इस प्रेम संवाद को समझने के लिए मैं एक दृष्टांत आपको देना चाहूंगा। एक बार शरीर के सभी अंगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि सभी अंग परिश्रम करते हैं, है कि नहीं? सभी अंगों का अपना अपना परिश्रम है, पर पेट तो खाता रहता है ना, उसको तोड़ना पड़ता है ना उसको पकाना पड़ता है ना उसको चबाना पड़ता है ना उसको निगलना पड़ता है। पेट क्या करता है, केवल खाता रहता है। हम जो कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं वो किसको मिलता है, पेट को, ऐसा बाकी अंगों ने सोचा। तो सभी अंगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि अब हम पेट को खाना नहीं देंगे। पैर ने कहा कि मैं खाने के पास तक नहीं जाऊंगा। हाथ कहते हैं कि अगर तू पास गया तब भी मैं भोजन मुंह तक नहीं पहुंचाऊंगा। मुंह कहते हैं कि मैं भोजन को नहीं चबाऊंगा। दांत कहते हैं कि भोजन को मैं नहीं चबाऊंगा। जीभ कहते हैं कि मैं भोजन को अंदर नहीं निगलूंगी। इस तरह से सभी अंगों ने मिलकर के पेट के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। अब पहले दिन पेट के पास कुछ नहीं पहुंचा, दूसरे अंगों को क्या लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि यदि पेट में अन्न नहीं पहुंचेगा तो तुम तक ऊर्जा भी नहीं पहुंचेगी। अब दो तीन दिन तक जैसे तैसे चला, पैर लड़खड़ाने लग गए, आंखों को धुंधला दिखाई देने लगा, सिर को चक्कर सा आने लगा। अब सभी अंगों को क्या पता चल चुका था कि हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि पेट कुछ नहीं करता, पर पेट के कारण ही हम सभी तक ऊर्जा पहुंच रही है भोजन के माध्यम से। ये एक दृष्टांत है इस संसार में समझने के लिए। परमधाम में सभी ब्रह्मात्माएं राज्य की अंग रूपा हैं, लेकिन चूंकि वहां तो सभी अंग चेतन हैं, अब सभी अंग रूपा ब्रह्मात्मा को क्या लग रहा है कि हमारा अस्तित्व अलग है, चूंकि सब चेतन है, स्वयं को भिन्न मान रही हैं। लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं का अस्तित्व कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, वैसे ही अलग नहीं हो सकता है जैसे सागर का अस्तित्व लहरों से है। समझ सकते हैं? सागर का अस्तित्व किससे है, लहरों से, और लहरों का अस्तित्व किससे है, सागर से। यदि सागर में लहरें ना हो तो कोई देखने जाएगा? कोई व्यक्ति भी यदि समुद्र के किनारे जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? यदि समुद्र के उस पानी में हलचल ही ना हो बिल्कुल भी, तो कोई उसे देखने भी नहीं जाएगा। उसका अस्तित्व मानव मात्र के लिए समाप्त प्राय हो जाएगा। तो लोग क्या देखने जाते हैं, लहरें। लहरों के कारण सागर का अस्तित्व है। लेकिन यदि लहर ये कहने लग जाए कि मेरे होने से ही तेरा अस्तित्व है, अगर मैं ना रहूं तो तेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, और नाराजगी दिखा करके लहर यदि सागर से अपने आप को अलग कर ले। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप यदि समुद्र के किनारे गए हों तो जिस समुद्र के किनारे की जो जमीन है वो यदि उबड़ खाबड़ होती है तो लहरों के साथ में जब हवा तेज चलती है, लहरें बाहर तक आती है, पानी बाहर तक आती है, और वापस में वही लहरें अब उन गड्ढों में भर जाए। पहले वही जल समुद्र के साथ में थी तो उसका अस्तित्व था, अब गड्ढों में वो थोड़ा थोड़ा पानी भर गया है तो उस पानी का क्या अस्तित्व रह गया है।
क्या कोई उसे देखने के लिए जाएगा कि ये देखो सागर की लहरें हैं? आप में से कोई भी नहीं जाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि देखो ये सागर के लहरें यहाँ पर पड़ी हुई इसको देख लो। नहीं, सभी उसी लहर को देखेंगे जिनका अस्तित्व सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मात्माओं और ब्रह्म का संबंध भी वैसा ही है। इससे उत्तम दृष्टांत शायद ही हो समझने के लिए कि ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि का संबंध क्या है। तो वे ब्रह्म सृष्टियां अपने दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में अनादिकाल से अनंत प्रेम के सागर में डूबी हुई थी, और जो डूबा हुआ हो उसको आप आपस में आसपास में क्या चल रहा है इसकी सुधि नहीं होती है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि अक्षर ब्रह्म पहली बार दर्शन के लिए गए और पहली बार में सखियों ने देख लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अनादिकाल से जो प्रेम लीला चल रही होगी तो परम धाम में जिस तरफ अक्षर ब्रह्म का रंग महल आता है उस तरफ ब्रह्म सृष्टियां आए ही ना हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वे प्रेम में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्हें बाहर की जरा भी सुध नहीं थी। जैसे इस संसार में भी, लौकिक उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको, कि ये उदाहरण मैं वैसे कई बार दे चुका हूँ, जब भी मुझे प्रेम में डूबे होने का दृष्टांत बताने का मन करता है तो मेरे जीवन की ये घटना तुरंत सामने आ जाती है। आज से लगभग 12 साल पहले की घटना है ये, 11-12 साल पहले, 2013 की घटना। सितंबर अक्टूबर का समय था, हम सभी क्या लगभग 4-5 लोग थे। रात के समय में ज्ञानपीठ में जो साहित्य प्रकाशित होता है उसकी बाइंडिंग के लिए देना था तो हम सहारनपुर गए थे। लगभग रात के 11-11:30 बजे का समय होगा। अब अक्टूबर में लगभग थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती खैर, लेकिन रात के लगभग 11-11:30 बजे एक व्यक्ति बिल्कुल सुनसान सी जगह पर, जहां जमीन की प्लाटिंग नहीं की गई होती है, 4-5 ईंटें रख करके थोड़ा ऊंची सी दीवार जैसी बनाई गई होती है, उसके आसपास में सुअर बैठे होते हैं क्योंकि बाहर है, शहर से बाहर। तो उस गंदगी वाली जगह पर एक लड़का बैठा हुआ है। हमें तो अंधेरे में पहले तो दिखाई भी नहीं पड़ा, लेकिन रास्ते में गड्ढा, तो उस गड्ढे से गाड़ी को बचाने के लिए जैसे ही हमने गाड़ी मोड़ी तो हेडलाइट के फोकस में वो लड़का दिखा। 11:30 बजे के आसपास वो ऐसी छोटी सी जगह पर ईंटों के ऊपर उकड़ू बैठ करके फ़ोन में बात कर रहा था, और अचानक से गाड़ी उसके तरफ गई तो उसको लगा कि शायद एक्सीडेंट होने वाला है या तो स्टेयरिंग फेल हो गया है, ऐसा सोच करके वो बहुत जोर से भागा। लेकिन हमें इतनी बात समझ में आई कि वो किसी रिश्तेदार से तो बात नहीं कर रहा था वहाँ आकर के, किससे बात कर रहा होगा, अपनी प्रेमिका से बात कर रहा होगा। और उससे बात करते हुए न उसे आसपास की कोई गंदगी दिखाई पड़ रही है, न रात का घना अंधकार उसे परेशान कर रहा है, कोई भी वस्तु उसको परेशान नहीं कर रही है। हाँ, अचानक से गाड़ी पहुंची तो वो वहां से चौंक गया। ऐसे अनेक दृष्टांत, अनेक प्रसंग आपने अपने जीवन में देखे होंगे, सुने होंगे। इसी तरह से किसी व्यक्ति को यदि नींद आती है तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि वो कहां पर सो रहा है, उसे चाहे सब लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तब भी वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरे खाने में क्या चीज है, क्योंकि वो उन चीजों में, उसके रस में डूबा हुआ है। चाहे वो निद्रा का रस हो, चाहे भोजन का रस हो, चाहे इस संसार के क्षणिक प्रेम का रस हो, उसे आसपास की चीजों में जरा भी ध्यान नहीं होता है। तो सोचिए,
कि जो प्रेम आनंद का सागर है उस सागर में सागर की लहरें ब्रह्मात्माएं कैसे डूबी होंगी, तो जो उस प्रकार से डूबा हुआ हो उसे फिर आसपास में क्या है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्या लेना देना। इसीलिए अक्षर ब्रह्म नजरों के सामने होते हुए भी नहीं थे। जैसे आपके अपने जीवन में लगभग सभी के जीवन में ये घटना होती होंगी, हो सकता है प्रतिदिन भी होती हो, कि आपने सामने किताब रखी है, खोल करके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मन कहीं और चला जाता है, कहीं और भाग जाता है, तो अब धीरे धीरे करके सामने किताबों के अक्षर धुंधले दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि हम चिंतन में इस तरह से डूब जाते हैं। अब हमारे सामने अक्षर होते हुए भी अक्षर नहीं है। इसी तरह से परम धाम में भी अक्षर थे पर नहीं थे, क्योंकि हम जैसे यहां विचारों में डूबे हैं उसी तरह से परम धाम में प्रेम में डूबे हुए थे। लेकिन जब राज जी ने दिल में लिया कि खेल दिखाना है, तब हमें अक्षर की सुध आई। हमने अक्षर को देखा, वो भी कैसे देखा, जैसे यदि मैं चर्चा कर रहा हूं, चर्चा करते करते चूंकि आप सबका ध्यान मेरी तरफ है एकाग्र रूप में, और चर्चा करते करते यदि मैं किसी भी एक दिशा में, जैसे मैंने ऐसे देखा दाईं तरफ, आप सब क्या सोचेंगे कि वहां पर क्या है, आपका ध्यान इसी तरह से जाएगा वहां पर। इसी तरह से तीजी भूम की पड़साल में जब युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे हुए हैं, नृत्य चल रहा है सखियों का, अक्षर ब्रह्म अपनी नियत समय से, निर्धारित निश्चित समय से आते हैं दर्शन के लिए, चांदनी चौक पर खड़े होकर के दर्शन करते हैं। और अब राज जी ने उस समय क्या किया, हल्का सा अक्षर की तरफ नजर किया। अब सखियों को लगा कि ये कौन है, ये दूसरा पुरुष कौन है, अब क्योंकि रूप तो कैसा है, स्वरूप एक है लीला दोई, तो अब उनके मन में आया कि ये कौन है। उसके बाद राज जी को पूछा, राज जी ने क्या कहा, ये अक्षर ब्रह्म है और ये क्या करते हैं, माया का अथवा दुख का खेल बनाते हैं और मिटाते हैं। अब पहली बार जब हमने ये सुना कि दुख का खेल है अथवा माया का खेल है, हमें क्या पता दुख किस चिड़िया का नाम है, माया किस चिड़िया का नाम है, तो हम पूछने लग गए कि ये माया क्या है, अब कैसे समझाएंगे। किसी को भी यदि कोई बात समझानी हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, दृष्टांत है कि नहीं, दृष्टांत से ही तो समझाया जाता है ना। लेकिन दृष्टांत किस चीज का दिया जाता है, बोलने वाले को भी उसका पता होना चाहिए और सुनने वाले ने भी कभी ना कभी उस वस्तु को देखा होना चाहिए, तब तो दृष्टांत भी दिया जा सकता है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को दुख के बारे में कैसे बताया जाए, जैसे इस संसार के लोगों को ब्रह्मानंद के बारे में नहीं बताया जा सकता है, इसी तरह से ब्रह्म सृष्टियों को दुख के बारे में बताना भी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर समझते ना क्या होता है, बच्चों को पता है टेढ़ी खीर किसे कहते हैं, नहीं पता। देखो एक बार एक अंधा व्यक्ति था, वो किसी महिला के घर में भिक्षा मांगने के लिए गया। उस घर पे एक बूढ़ी माता थी, अब भिक्षा मांगी तो माता ने खीर दे दिया ला करके। उसने खीर खाई तो बड़ा स्वादिष्ट था, स्वाद से तो उसको पता चल रहा था, लेकिन अब वो पूछता है कि माता ये खीर कैसा दिखाई पड़ता है, अब कैसे बताएंगे आप। कोई अंधा व्यक्ति है जिसको बताना है कि खीर कैसा दिखता है, आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं उसको कैसे बताना है और तरीका भी नहीं है।
तो आप क्या बोलोगे, सफेद है कि नहीं? लेकिन अंधे को सफेदी का क्या पता? अंधे को सफेद रंग कैसा होता है क्या पता? तो वो पूछता है कि माता ये सफेद कैसा होता है? अब सफेद कैसा होता है, तो माता कहती है कि सफेद जो होता है ना वो बगुले जैसा होता है। बगुले का रंग पता है ना कैसा होता है? आप लोग जब ट्रैक्टर चलाने जाते हैं, खेत वेत जोतने जाते हैं, तो आते रहते हैं ना बगुले, तो जो सफेद है वो बगुला जैसा होता है। अब वो अंधा व्यक्ति, क्योंकि उसने तो बगुला भी नहीं देखा है, तो पूछता है कि माता बगुला कैसा दिखता है? तो माता कहती है कि ऐसा दिखता है, इसकी चोंच ऐसी दिखती है ना। लेकिन अब ऐसा कैसे पता चलेगा अंधे को क्या है? तो माँ ने क्या किया, अंधे का ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे अपने हाथ के पास लगा करके बता दिया। अब अंधा ऐसा ऐसे कैसे करता है, ठीक है, पूरा जायजा लेता है और कहता है कि अच्छा, ऐसा बगुला होता है और ऐसी खीर होती है, लेकिन खीर तो ऐसी नहीं होती है। तो अंधे को खीर बताना कैसा है, टेढ़ी खीर इसीलिए कहा जाता है, समझे? तो ब्रह्म सृष्टियों को दुख कैसा होता है ये बताना भी टेढ़ी खीर अर्थात असंभव बात है। जैसे आपको घी खिला दिया जाए या पिला दिया जाए और पूछा जाए घी का स्वाद कैसा है, आप कैसे बताओगे? क्या घी नमकीन होता है, मीठा होता है, कैसा होता है? फीका? फीका भी नहीं होता है। अच्छा तो होता है, पर छह रस में उसका स्वाद नहीं आता है। रस कितने होते हैं? छह होते हैं ना, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला, ये छह ही स्वाद होते हैं, सातवां तो कोई स्वाद होता नहीं है। लेकिन घी का स्वाद सातवां है। और अगर कोई व्यक्ति पूछे कि घी कैसा होता है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उसको घी चखाया जाए, है कि नहीं? अब वो चखने के बाद जान तो जाएगा कि घी कैसा होता है, लेकिन बता नहीं पाएगा फिर तीसरे को। तीसरे को बताना हो कि घी कैसा है, तो फिर तीसरे को भी खिलाना पड़ेगा। अब ब्रह्म सृष्टियों को दुख के बारे में बताना है तो शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। कैसे बताया जाएगा? अब दिखा करके। लेकिन राज जी हमें दुख नहीं दिखाना चाह रहे थे और हमने बार बार जिद की कि नहीं, दुख का खेल देखना है। राज जी अब जवान से समझाने की कोशिश करते हैं, दृष्टांतों से समझाने की कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं कि माया का खेल कैसा है। तो पुराण संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं, शर्करा करकरा न स्याद अमृतम न विषम भवेत, चिंता मणिर न पाषाणु न दिवा रजनीर भवेत। शक्कर जो है कभी कंकड़ नहीं हो सकती है, अमृत कभी विष नहीं हो सकता है, चिंतामणि कभी पत्थर नहीं हो सकता है, और दिन कभी रात नहीं हो सकती है। इसका भाव क्या है कि परम धाम की लीला में और इस संसार की लीला में अंतर बताया जा रहा है कि एक की लीला दिन के समान है और दूसरे की लीला रात्रि के समान है। राजी कहते हैं कि सखियों, आप माया में जाने की जिद ना करो, वहां पर कैसा है, वहां की परिस्थिति में बताता हूं। पुराण संहिता में कहते हैं कि फुल्ल पद्मम सरह त्यक्त्वा मृग तृष्णामनु धावथ मामानंदम परित्यज्य पाषाणम पूजयिष्यत। तुम जिस संसार में जाने की जिद कर रहे हो, हठ कर रही हो, यह संसार कैसा है? यदि परम धाम को कमल के फूलों से भरा हुआ तालाब माना जाए, कितना सुंदर दिखता है कमल का फूल, कितना सुंदर दिखता है। आप जाते हैं ना ज्ञानपीठ में मंदिर के सामने नील कमल देखने के लिए, कितना सुंदर दिखता है जब खिला हुआ हो, और पूरा तालाब बड़ा सा जहाँ का पानी भी स्वच्छ हो और वहाँ कमल ही कमल खिले हुए हो, आप कल्पना करके देखिए। तो एक तो कमल के फूलों से भरा हुआ तालाब है परम धाम, और उसके विपरीत संसार कैसा है, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, भ्रम। जैसे गर्मी का समय हो, आप सड़क पर निकलते हैं तो थोड़ी दूरी में पानी दिखाई पड़ता है, होता है कभी कभी ऐसा,
लेकिन वहाँ पास में जाते हैं तो कुछ नहीं होता, सड़क होती है। या कभी कभी आप नदी के किनारे, सागर के किनारे रेती में देखेंगे तो लगभग लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर पानी जैसा दिखाई पड़ता है। आप भाग के जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये भ्रमित जल है, एक बूंद भी वहाँ जल नहीं है, लेकिन हमारी आँखों को भ्रम हो रहा है। और परमधाम कैसा है? कमल के फूलों से भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम। ये माया कैसी है? असत, जड़ और दुखमयी। और परमधाम कैसा है? सच्चिदानंदमयी। और वहां जाकर के तुम क्या करोगे? उस संसार में जाकर कहते हैं माम आनंदम परित्यज्य। माम अर्थात मेरे आनंद को परित्यज्य, त्याग कर, छोड़ कर तुम संसार में जाकर के पाषाण, अर्थात पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर। तो तुम संसार में जाके पत्थर की पूजा करोगे। आप खिलवत की वाणी पढ़कर देखिए। खिलवत की वाणी में परमधाम की प्रेममयी संवाद का बहुत सुंदर वर्णन महामती जी ने किया है कि राज जी ने किस तरह से मना किया हमें। और हम क्या कहते हैं वाणी में? मने किए हमको तीन बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। हमने तीन बार मांगा और अब हमारी ही खेल देखने की इच्छा को पूरी करने के लिए राज जी ने अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया कि ऐसा ब्रह्मांड रचा जाए जिसमें ब्रह्म सृष्टियों को भी आना है और उनको खेल दिखाना है तो मुझे भी आना है। क्या कहती है वाणी? हमको खेल देखा वन काज, हम सो आगू आए श्री राज। राज जी, तो हम ब्रह्मात्माओं का साथ हाथ कभी भी नहीं छोड़ते ना। हम क्या कहते हैं? नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। तो राज जी हमें कभी भी नहीं छोड़ते, न ब्रज में हमें छोड़ा था, न इस जागनी के ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। तो अब इस तरह से हमारे इस माया के संसार में आने की भूमिका तैयार हो रही थी। और आना कब था? सबसे पहले हम सब ब्रह्म सृष्टियां आई ब्रज मंडल में, इस संसार के हिसाब से देखा जाए तो द्वापर युग में गोपियों के रूप में आए। वाणी क्या कह रही है कि ताके तीन तकरार कहे, श्री लालदास जी कहते हैं ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। आप वाणी में, प्रकाश वाणी में प्रकट वाणी के प्रकरण को पढ़कर देखेंगे तो संक्षिप्त में ये पूरा वृतांत आपको जानने को मिलेगा। तो कहते हैं कि माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, इसका भाव क्या है? नट कहते हैं नाटक को। एक बाजीगर क्या करता है कि वो अपने हाथ की सफाई से कभी वो कबूतर दिखा देता है, कबूतर के अलग अलग प्रकार के खेल दिखाता है। उसके बाद जब अपने हाथ की सफाई अपनी खेल को समेटता है तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये खेल भी वैसा ही है, इसलिए इसको मिथ्या माया का, झूठी माया का नाटकीय ब्रह्मांड कहा गया है, जिसकी अलग अलग बीतक बता रहे हैं। और अलग अलग बीतकों में पहली बीतक कौन सी है? पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। निज अर्थात अपने लोगों के साथ, अपने लोग मतलब हम सब ब्रह्म सृष्टियों ने साथ में मिल करके ब्रज मंडल में 11 वर्ष और 52 दिन की ब्रज लीला की। अब उसकी भूमिका कैसे बनती है? आप ब्रज लीला को जानने के लिए भागवत, महाभारत, इसी तरह से बृहद सदाशिव संहिता, ऐसे ग्रंथों को पढ़कर देखेंगे तो आपको ब्रज लीला के बारे में जानकारी मिलेगी। पौराणिक कथा आती है इस संदर्भ में कि एक समय में द्वापर युग के लगभग लगभग अंतिम चरण का समय चल रहा था और उस समय मथुरा पर एक आततायी नरेश का शासन चल रहा था। नरेश कहते राजा को। तो उस आततायी अर्थात दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला, सताने वाला राजा, उसका नाम था कंस। अपने पिता धर्मात्मा उग्रसेन को
गादी पर से हटा करके जेल में रख करके बंदी बनाकर वह स्वयं शासक बना था। और ऐसा अत्याचार चल रहा था उसका प्रजा पर कि सारी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम का नारा लगा रही थी कि कोई तो हमारी रक्षा करे। और उसके अत्याचारों से रक्षा करने के लिए अब एक महान व्यक्तित्व का अवतरण होना था, लेकिन उसके अवतरण की भूमिका कैसे बनती है कि कहा जाता है कि कंस अपनी बहन की शादी करवा रहा था जिनका नाम था देवकी। उनका विवाह वसुदेव के साथ कराता है। और वैसे एक बात इसमें ध्यान देने की है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह किसी न किसी के लिए तो कोमल होता है। सबके लिए कठोर हो जाए पर कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है कम से कम जिसके लिए वो कोमल होता है, ये अपवाद रहता है। जैसे रावण पूरी दुनिया के लिए कठोर था, क्रूर था, राक्षस था, पर अपनी बहन मंदोदरी से तो अपनी बहन सुपर्णखा से तो वो प्रेम करता था, अपनी पत्नी मंदोदरी से भी वो प्रेम करता था, इसलिए उनकी डांट को भी सुन लेता था, वरना उसको सुनाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। इसी तरह से कंस वैसे तो दुष्ट था लेकिन देवकी से उसको स्नेह था, इसलिए जब विवाह करा के बारात लौट रही थी तो उस समय उसने कहा कि मैं अपनी बहन और बहनोई का जो रथ है वो स्वयं हाकूंगा, स्वयं उसको चलाऊंगा। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि जिसका रथ तुम इतने चाव से इतने प्रेम से हाँक रहे हो उसी की आठवीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। अब दुष्ट की दुष्टता जो थी वो दबी हुई थी, उसको ट्रिगर किया गया, तो उसने सोचा कि मैं वसुदेव देवकी दोनों को ही समाप्त कर देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उसने दोनों को मारने का सोचा। अब जैसे ही उसने खड़ग निकाली, वसुदेव ने कंस के पैर पड़ते हुए कहा कि कंस, व्यर्थ में तुम अपनी बहन की मृत्यु का भागीदार क्यों बन रहे हो? क्योंकि आठवीं संतान के विषय में आकाशवाणी हुई है, तो मैं ये वचन देता हूं कि जो आठवीं संतान होगी वो मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। अब इनको नजरबंद में रखा गया, कैद में, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी थे, उनकी सत्यवादिता जग जाहिर थी उस समय भी। हमारी वाणी में भी उनको सत्यवादियों में वर्णन किया है कि प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव बलि रुक्मांगद हरिश्चंद्र सगाल दधीची मोर ध्वज कसनी कर छूटे आफन। तो वाणी में भी वसुदेव की सत्यवादिता का प्रमाण है। अब पहली संतान का जन्म हुआ, कंस को डर तो था नहीं, क्योंकि उसको डर किससे था? आठवीं संतान से। लेकिन देवताओं ने सोचा कि इसके पाप का घड़ा भरना है, इसके पाप का घड़ा जितना जल्दी भरेगा भगवान को जल्दी उतना अवतार लेना पड़ेगा। ये सोच करके नारद जी जाते हैं कंस के पास और कहते हैं कि देवताओं ने तुम्हारे साथ छल किया है। देखो हर बार देवता राक्षसों को छलते हैं, तो इस बार भी तो हो सकता है तुम्हारे साथ छल किया हो। और कैसे छल किया हो? तो एक ना उसके सामने फूल रख देते हैं, जैसे हमारे पास ये फूल है, इस फूल में कुछ पंखुड़ियां हैं। मान लीजिए कि इसको, ये तो पांच है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर आठ पंखुड़ी है। इसमें से आप पहली पंखुड़ी किसको गिनोगे? किसी को भी गिन सकते हैं। यदि इसको पहली पंखुड़ी गिनते हैं और इधर से गिनना शुरू करते हैं तो ये
आठवीं पंखुड़ी होगी और इस तरफ से गिनना शुरू करते हैं तो ये आठवीं पंखुड़ी होगी और उसके बाद भी क्या पता इसको पहला गिना जाए, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो नारद जी इस तरह से कंस की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और कहते हैं कि देखो देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं है, इससे पहले भी समय समय पर देवता राक्षसों को ठगते आए हैं, छलते आए हैं, इसलिए तुम इनके भ्रम में, इनके छलाव में मत आओ। अब कंस सोचता है कि बात तो सही है, इसीलिए उसने क्या किया, वसुदेव देवकी की पहली संतान को लिया और क्रूरतापूर्वक मार दिया। इसी तरह से समय अंतराल पर एक के बाद एक संतान होती गई तो लगातार 6 संतानों को कंस ने मार दिया। अब 7वीं संतान के रूप में पौराणिक आख्यान आती है कि शेष ने प्रवेश किया। कुछ लोग शेष नाग कहते हैं, कुछ लोग शेष ऋषि कहते हैं, पर शेष का वर्णन आता है। तो देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई जिसको भगवान विष्णु की योग माया ने, विष्णु भगवान की योग माया, ठीक है, तो उसने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उस जीव को स्थापित कर दिया। और इधर जो देवकी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया वो मृतक था क्योंकि जीव अब दूसरी योनि में जा चुका था, दूसरे के गर्भ में जा चुका था। अब कंस की बुद्धि तो पूरी तरह से तामसिक है, भ्रष्ट है, वो तो और अधिक गर्वोन्नत होने लगा कि देखो मेरे डर से अब बच्चे भी मृतक पैदा होने लगे, अब तो बच्चे पैदा होने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं, इतना वो घमंड में चूर था। और इसी तरह से कुछ समय बीता और कुछ समय के पश्चात अब 8वां गर्भ रहा। अब उस 8वें गर्भ से विष्णु भगवान का जो जीव है उसने ही जन्म लेना है। जन्म लेने से पहले, ठीक पहले, विष्णु भगवान अपने योगमय रूप में, जिसको आलंकारिक रूप में चतुर्भुज स्वरूप कहा गया है, उस रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि देखो अब मैं कुछ समय में जन्म लेने वाला हूँ और तुम्हें उस बालक को लेकर गोकुल में नंद बाबा यशोदा के घर जाना है, वहाँ पर एक बालिका का जन्म हुआ है, उसको लेकर के तुम्हें यहाँ वापस आना है। इस तरह से निर्देश दे करके वो स्वरूप अदृश्य हो जाता है, ओझल हो जाता है। उसके बाद जन्म होता है एक बालक का जिसको बाद में सभी लोग कृष्ण जी के रूप में जानते हैं, लेकिन अभी तो नाम नहीं रखा गया है, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं इसलिए अभी हम कृष्ण नाम से ही उनको पहचानते हैं। तो अब जन्म होता है कृष्ण जी का और जैसे ही जन्म लिया विष्णु भगवान की शक्ति से सभी लोग, वहाँ के जितने भी थे चौकीदार या फिर सिपाही सैनिक, सब सो जाते हैं, सबको नींद आ जाती है और जो हथकड़ी वगैरह थे वो भी खुल जाते हैं। वहाँ से कृष्ण जी को लेकर के एक टोकरी में लेकर के वसुदेव जाते हैं ब्रजमंडल की तरफ अथवा गोकुल की तरफ। रास्ते में यमुना नदी पड़ती है और चलते चलते रास्ते में योगमाया की शक्ति ने प्रवेश किया, जिसको हम बेहद की शक्ति कहते हैं अथवा जिसको हम राज्य के जोश की शक्ति अथवा कते परंपरा में जिसको जिब्रील अथवा जबराइल कहा जाता है, उसने प्रवेश किया। उसके पश्चात अब यमुना नदी को पार किया, कहते हैं कि यमुना जी पूरे उफान पर थी क्योंकि जिस समय जन्म लिया कृष्ण जी ने भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, तो भादो के महीने में भी वर्षा होती है, तो अब यमुना जी पूरे उफान पर थी और वसुदेव जी काफ़ी ऊपर तक डूब गए थे, लेकिन कहा जाता है कि यमुना जी ने जैसे ही कृष्ण जी के चरण को स्पर्श किया धीरे धीरे वो
अपने सामान्य स्तर पर आती गई और सरलतापूर्वक वसुदेव कृष्ण जी को लेकर के पहुंचते हैं नंद बाबा के घर पर, जहां सब लोग सो रहे हैं। अब वहां कृष्ण जी को रख देते हैं और वहां एक बालिका का जन्म हुआ होता है, उस बालिका को लेकर के वसुदेव जाते हैं। पुनः उसी रास्ते से जाते हैं, कंस के कारागार में प्रवेश करते हैं। वहां प्रवेश करते ही सारे सैनिक जाग जाते हैं और कंस तक खबर पहुंचती है कि वसुदेव देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस आता है, देखता है तो क्या पाता है कि ये तो एक लड़की है। वो तो घमंड में चूर है, सोचता है कि देवताओं ने मुझे मारने के लिए एक लड़की को भेजा है, और उसको मारने के लिए वो जैसे ही पटकना चाहता है जमीन पर, वो हाथ से छिटक जाती है। और अब वो जो बालिका है वहां से अदृश्य होकर एक देवी के रूप में, दिव्य स्वरूप में प्रकट होती है और कहती है कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है अब। और वहां से वो ओझल हो जाती है। कंस सोचता है कि किस तरह से पता लगाया जाए। उसने सोचा कि 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनमें से ही हो सकता है, इसलिए उसने पूतना नामक राक्षसी को बुलाया और उसने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर के जितने बालक हैं उन सबको मरवा डालो। अपने सैनिकों को भी भेजा, अलग अलग जगहों पर जाते थे और नए नए जो नवजात शिशु थे उनको वो मार रहे थे। अब इधर आते हैं वापस अपने विषय पर, मूल कहानी पर। कृष्ण जी पहुंचे हैं नंद बाबा के घर पर। अब प्रातःकाल का समय था, सभी को पता चल गया कि नंद बाबा के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। नंद बाबा के घर पे जब उस बालक ने प्रवेश किया तो उसी समय, क्योंकि अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए आए हैं, तो राज्य की जो शक्ति है, आवेश की शक्ति, क्या कहती है वाणी, मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाहिया देखियो प्रेम स्नेह, सुसूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। अब नंद बाबा के घर में अक्षर की सूरता और राज्य का आवेश प्रवेश करती है और ब्रह्म सृष्टियों ने खेल देखने के लिए कहां प्रवेश किया, गोपियों के तन में। जैसे ही गोपियों के तन में ब्रह्म सृष्टियों ने प्रवेश किया, ये सभी गोपियां किशोरी हैं, विवाहित हैं, अथवा हो सकता है किसी का विवाह होने की तैयारी चल रही हो, पर सभी गोपियां हैं। और चूंकि ब्रह्म सृष्टियां जब गोपियों के तन में आई थी, शुरू शुरू में कुछ समय तक उनको अपनी थोड़ी थोड़ी पहचान थी, तभी तो सभी कृष्ण जी के प्रति आकर्षित होती थी। धीरे धीरे माया का प्रभाव उन पर चढ़ता गया और वो अपने आप को ब्रज की गोपियां मानने लगी और इस संसार के जो पति थे उन पतियों को अपना पति मान करके वैसा ही व्यवहार करने लगे। नहीं तो शुरू में कुछ कुछ आभास था, इसीलिए कृष्ण जी के प्रति वो आकर्षित होती हैं। अब पहला ही दिन है कृष्ण जी के जन्म का, सभी गोपियां आती हैं, बारी बारी से बधाई देती हैं और अब ये नित्य क्रिया बन जाती है, दैनिक दिनचर्या बन जाती है। देखिए कृष्ण जी की जो कथा है वो तो बहुत ही लंबी है, जितनी घटनाएं हुई वो बहुत लंबी है। उन्होंने किस तरह से 6 दिन की अल्प आयु में पूतना का वध किया और उतनी ही अल्प आयु में ही सकट भंजन किया, अघासुर बकासुर इत्यादि का संहार किया, कालीय नाग का दमन किया, ये सारी कहानियां तो लगभग आप सभी लोग टीवी सीरियल के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से सुनते रहते हैं। मैं उसका बहुत विस्तार में वर्णन नहीं कर रहा हूँ, पर ब्रजलीला में
कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका संबंध हम ब्रह्म सृष्टियों के साथ है, जिनका संबंध हमारी बीतक के साथ है, इसलिए मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। देखिए ब्रजमंडल में, चूंकि वाणी में भागवत को कागद कहा है, संदेश अथवा चिट्ठी अथवा प्रमाण कहा है, तो भागवत में प्रमाण क्या है? दसवां स्कंद जिसमें अखंड ब्रज और रास के बारे में वर्णन किया है, ब्रज लीला का वर्णन है। तो अब ब्रज लीला में से ब्रह्म सृष्टियों के लिए मुख्य बात कौन सी है? देखिए, जो जो प्रमाण हमें श्री कृष्ण जी के अंदर राज जी ने लीला की ये बताने में काम आ सकते हैं वो प्रमाण है, क्योंकि कृष्ण जी की तीन लीलाओं को तो दुनिया नहीं समझती है तारतम वाणी के बिना। क्या कहा जाता है, एक संत वाणी आती है, कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध होए। कृष्ण जी के नाम से ही तीन लीलाएं हुई, पहली लीला 11 वर्ष 52 दिन की राज्य की लीला है अक्षरातीत की, दूसरी 11 दिन योग माया की शक्ति की लीला जिसको कई लोग गोलो की शक्ति भी कहते हैं, और तीसरी 112 वर्ष की विष्णु भगवान की लीला। लेकिन दुनिया को तो नहीं पता, वाणी क्या कहती है, ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रगट करी पहचान। अवतारों के सिलसिले में ब्रह्म लीला तो ढक गई, आज दुनिया के किसी भी भागवतकार के सामने आप जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। क्या ब्रज में 11 वर्ष 52 करने वाला विष्णु भगवान का अवतार है? नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? वाणी के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा। और उनको साबित करने के लिए आप भागवत का प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन उसी भागवत को तो पूरी दुनिया पढ़ती है। हमारे पास तारतम ज्ञान रूपी चाबी है, इसलिए हमें पता है कि 11 वर्ष 52 दिन की शक्ति कोई और है। अब ये कैसे पता किया जाए? देखिए, सबसे पहले एक घटना आती है प्रमुख, कि इस प्रसंग को सारे भागवतकार बहुत मनोरंजनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो प्रसंग है शिवजी कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। एक भजन भी बनाया गया है, नगर में जोगी आया करके। अब जोगी के रूप में कौन आया है? शिवजी आए हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए एक जोगी का, साधु का वेश बनाया हुआ है, कृष्ण जी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उस जोगी के वेश को देख करके यशोदा माता सोचती है कि ऐसा ये वेश तो डरावना सा है। देखिए, कोई भी जो छोटा बच्चा है या बच्ची है, वे जल्दी से थोड़ी लंबी दाढ़ी वाले लोगों के पास नहीं आते हैं। देखते हैं इसके पास थोड़ी दाढ़ी ज़्यादा है, उसके पास नहीं जाते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा घुलमिल हो जाए, लंबे समय की पहचान हो तो बात अलग है, वरना अचानक से किसी नए व्यक्ति के पास बच्चे जाना पसंद नहीं करते। तो यशोदा माता ने सोचा कि ये बालक मेरा बच्चा, और यशोदा माता को इतना प्रेम है कृष्ण जी से कि आज भी इस संसार में यदि कोई माँ अपने बेटे से स्नेह व्यक्त करती है तो यशोदा और कृष्ण का ही दृष्टांत दिया जाता है। तो यशोदा माता सोचती है कि कहीं मेरा बालक डर न जाए, इसलिए वो शिव जी को मना करते हैं, लेकिन शिव जी मानते नहीं हैं। जोगी के वेश में है, वो कहते हैं कि माई बस परिक्रमा करने दे, चाहे तू चेहरा ढक देना, चेहरा मत दिखाना, मुझे केवल चरणों के दर्शन करने देना, लेकिन मुझे कृपया दर्शन करने दे। अब ऐसा क्यों हुआ? यदि केवल विष्णु भगवान का ही अवतार होते कृष्ण जी, तो शिव जी को कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए इतना तड़पने की क्या आवश्यकता थी? विष्णु भगवान को तो वो सीधा वैकुंठ में मिल ही सकते थे, और
जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव हैं, एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो फिर चरणों की वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि उस कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत की शक्ति लीला कर रही है। भले ही शिव जी को ये नहीं पता कि यही परमात्मा की शक्ति है, पर उनको इतना पता है कि ये वही शक्ति है जिनका मैं ध्यान करता हूँ। परब्रह्म की पूरी पहचान नहीं है, पर इतना पता है कि ये मुझसे ऊपर की शक्ति है, इसलिए वो दीदार करना, दर्शन करना चाहते हैं। इसी प्रकार एक और दृष्टांत आता है ब्रह्मा जी के द्वारा परीक्षा लिए जाने का। तो किस तरह से ब्रह्मा जी बाद में क्षमा मांगने के लिए आते हैं? जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया, 6 महीने तक गुफा में रखी, कृष्ण जी ने नई सृष्टि बनाई, जबकि इस संसार में त्रिदेवों में सृष्टि बनाने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। तो विष्णु जी का काम तो पालन करना है, लेकिन नई सृष्टि सृजना करने की क्षमता और किसी में नहीं है। तो वो अक्षरातीत हैं, साथ में अक्षर ब्रह्म हैं, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई थी, नए ग्वाल बाल बछड़े बनाए। तो बाद में ब्रह्मा जी आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और उन्हीं कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए अलग अलग सौर्य मंडल के अथवा अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अपने अपने वाहनों में बैठ करके आते हैं। तो केवल विष्णु भगवान की शक्ति होती तो ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं ब्रजमंडल की महत्वपूर्ण। एक और महत्वपूर्ण घटना आती है जिसको हम कहते हैं इंद्र के प्रकोप से रक्षा। इंद्र का प्रकोप कैसा? वैसे तो पौराणिक आख्यान में इंद्र का जो पद है उसकी गरिमा बहुत ओछी की गई है, घटाई गई है। वास्तव में वैदिक रूप में देखा जाए तो इंद्र कौन होता है? जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो उसको इंद्र कहा जाता है। और पौराणिक रूप में क्या दिखाया जाता है? इंद्र तो भोगी है, अप्सराओं को देखता है, अप्सराओं के नृत्य को देखता है, ऐसा दर्शाया जाता है। तो पौराणिक कथा क्या आती है कि कृष्ण जी के ब्रज में आगमन से पहले लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे और इंद्र वर्षा कराया करते थे, लेकिन कृष्ण जी ने ब्रह्म सृष्टियों को दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने नहीं दिया। वेद क्या कहते हैं? यो अन्य देवताम उपासते स न वेद यथा पशुभिर एव देवानाम। ये वेद का जो व्याख्यान ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण, उसका कथन है कि जो एक परमात्मा को छोड़कर अनेक की उपासना करता है वह विद्वानों के बीच में पशु के समान है। लेकिन उस समय लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो अब राजी ने सबको कहा कि देखो इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी, यदि आपको किसी की पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की पूजा कीजिए। गोवर्धन की पूजा का मतलब क्या है? लोगों ने इसको भी गलत तरीके से ले लिया है। पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य व्यवहार। जैसे लोग तुलसी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? तुलसी के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, वो पूजा नहीं है। तुलसी की पूजा का तात्पर्य है समय समय पर उसमें पानी देना, खाद देना। पीपल की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? पीपल के सामने दिया जलाते हैं, ये पूजा थोड़ी है। पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए और खाद चाहिए। दिया का क्या करेगा पीपल? अगरबत्ती का क्या करेगा? तो इसी तरह से गोवर्धन की पूजा का क्या भाव है? देखिए पूरा जो गोलोक है, ब्रजमंडल है, वृंदावन है, इन सभी लोगों का आधार क्या था? वन। क्योंकि सभी लोग गोपालक थे। गोवर्धन का तात्पर्य होता है गायों को बढ़ाने वाला।
तो उस पर्वत के कारण गायें बढ़ती थी, अर्थात गायें दिन भर जाती थी जंगल में चरती थी, उनके लिए घास और किसानों के लिए लकड़ियां इत्यादि उस वन से प्राप्त की जाती थी। तो कृष्ण जी ने कहा इस पर्वत की रक्षा करनी है। कई लोग इसको पौराणिक रूप में क्या दर्शाते हैं कि देखो पहाड़ उठाया गया और उस पहाड़ी के नीचे सभी लोगों की रक्षा की गई, पर मैं इसको ऐसे समझता हूं कि देखिए कृष्ण जी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सभी लोगों को वो पहाड़ी पर ले गए ऊंचाई पर, और वहां तिरपाल इत्यादि लगा करके, जैसे टेंट बोलते हैं ना आजकल, तो वैसा लगा करके जिसमें सब लोग रहे और जिससे कि बाढ़ का प्रभाव नहीं हुआ। आज भी अगर गांव में जो थोड़ी निचली निचले भूभाग है वहां पर बाढ़ आएगा तो लोग क्या करेंगे, पहाड़ के नीचे जाना पसंद करेंगे कि ऊपर रहना पसंद करेंगे? नीचे तो पानी आने की संभावना होती है ना। मान लीजिए कि पहाड़ उठा लिया गया और उसके नीचे सब लोग रह गए, मान लीजिए कि कृष्ण जी ने उंगली से रोक भी रखी है, तो छतरी तो हो गई, वर्षा से तो बचाया, लेकिन जो जल स्तर बढ़ा है उस बढ़े हुए जल स्तर का क्या करेंगे, वो पानी तो नीचे आएगी ना। आप थोड़ा लॉजिक लगा करके देखिए, तर्क लगा करके देखिए, तो संभावना क्या रही होगी कि पहाड़ के नीचे नहीं जबकि पहाड़ के ऊपर जाकर के ऊंचे स्थान में रहे होंगे, और श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजमंडल के लोगों का नेतृत्व किया होगा। और वहाँ क्योंकि ऐसा भी तो लिखा है ना भागवत में, ऐसा भी तो वर्णन आता है कि सभी ब्रज के लोगों ने, ग्वाल बालों ने अपने अपने डंडे उसमें लगाए थे। पहाड़ों के नीचे डंडे लगाने का तो कोई तुक नहीं दिखता मुझे, मुझे ऐसा लगता है कि डंडों का प्रयोग तिरपाल इत्यादि लगाने में किया गया होगा, पशुओं को बांधने में किया गया होगा। इस तरह से कृष्ण जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने नेतृत्व की क्षमता से सभी ग्वाल बाल बछड़ों की रक्षा की। क्योंकि आज के युग में यदि आप केवल उस कथा के आधार पर, कहानी के आधार पर बात करेंगे कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो मुझे लगता है कि हूबहू उस घटना को आज का कोई भी पढ़ा लिखा युवा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और वैसे भी वो कहानी जो बताई जाती है वो अनावश्यक लगती है, इररिलेवेंट लगती है, पहाड़ी के नीचे जाना, जबकि होता क्या है, अगर वर्षा होती है तो जमीन के नीचे के जो प्राणी है वो भी बाहर निकल जाते हैं, ऊंचे स्थान पर जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो गोवर्धन पर्वत पर ले जा करके कृष्ण जी ने सबकी रक्षा की, और उस प्रसंग से शिक्षा क्या दी गई कि एक परमात्मा की ही भक्ति करनी है, विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, ये शिक्षा है उस प्रसंग से। तो इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं होती रही। कृष्ण जी की कथा तो आप सभी एनिमेशन के रूप में, सीरियल्स के रूप में देखते रहते हैं, कहानियां आप वहां से भी जान सकते हैं, प्रसंग आप वहां से जान सकते हैं। अब इन्हीं घटनाओं के बीच में, ये तो क्योंकि शक्ति वाली घटना है ना, सत्ता वाली घटना, लेकिन प्रेम की लीला, ब्रजमंडल के प्रेम का दृष्टांत आज भी दिया जाता है। तो ब्रजमंडल में प्रेम कैसा था, जब श्री जी दीपबंदर पहुंचते हैं तो वहां जयराम भाई कंसारा को पूछते हैं ना कि कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज, तो ब्रज में राज जी कैसा प्रेम करते थे और हम राज जी से कैसा प्रेम करते थे, अब ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो ब्रज का प्रेम कैसा था, नाम क्या है जिससे प्रेम है, उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे। तो सभी ब्रह्म सृष्टियां कृष्ण जी के प्रति आकर्षित होती थी, और ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं पूरा ब्रजमंडल उनके प्रति आकृष्ट था। उधर कंस तो अपनी अलग अलग राक्षसी सेना को, अपनी अपनी तामसी सेना को भेजता रहता है, उसको पता चल चुका है कि यही जो मुझे मारने वाला है, तो अपने तरफ से वो अपना प्रयास कर रहा है,
लेकिन इधर प्रेम लीला चलती जा रही है। कृष्ण जी कैसा प्रेम करते हैं, बांसुरी बजाते हैं तो सखियां मिलने जाती है, अलग अलग गोपियों के घरों में जाते हैं और माखन चोरी की लीला करते हैं। यहाँ माखन चोरी का मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी चोर थे। वैसे तो चोरी करना क्या है, पाप है ना, अनैतिक कार्य है। कृष्ण जी उस भाव से चुराते नहीं थे। कृष्ण जी को पता होता था कि किस गोपी के यहाँ पर मक्खन है और किसने जानबूझ करके मेरे लिए रखा हुआ है, और सभी गोपियाँ प्रसन्न होती थी कृष्ण जी की उन छोटी छोटी बाल्य हरकतों को देख करके। तो कृष्ण जी का उद्देश्य वहाँ पर चोरी करके खाना नहीं था, चोरी करके बेचना नहीं था, उनका उद्देश्य केवल गोपियों के चेहरे पर वो खुशी देनी थी। लोग कई बार क्या कहते हैं कि कृष्ण जी का जो चरित्र है वो ऐसा था, कृष्ण जी का चरित्र वैसा था। कई बार लोग ये कह देते हैं कि देखो कृष्ण जी ने अपने पूरे जीवन में धर्म किया, पर मैं इसको थोड़ा और भिन्न तरीके से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि कृष्ण जी ने धर्म नहीं किया, कृष्ण जी ने जो किया वो धर्म हो गया। जो कुछ भी किया उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अनुचित नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा कैसा रहता था, चाहे जिस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। 112 वर्ष की जो विष्णु भगवान की लीला है उसमें भी उन्होंने सकाम भाव से कोई भी कार्य नहीं किया, प्रत्येक कार्य उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की। इसीलिए वो पाप और पुण्य की अवधि घेरे से, उचित और अनुचित के घेरे से हमेशा ऊपर आते हैं, बाहर आते हैं। इसीलिए उनके कार्य को चोरी कहना, उनके कार्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनैतिक नाम देना, ये अनुचित है। ये वही लोग कर सकते हैं जिसको अध्यात्म का थोड़ा सा भी न तो ज्ञान है न अनुभव है। तो कृष्ण जी के इस माखन चोरी की लीला के पीछे का उद्देश्य यह था कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो गोपियाँ प्रसन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ वाणी का है ना, अगर यही हरकत कोई बड़ा व्यक्ति करे तो सबको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन यही कर रही है तो कैसा लग रहा है, सब लोग उसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, सब उसको देख करके खुश हो रहे हैं। तो ये काम में और लीला में ये फर्क है। बच्चे करते हैं वो लीला होता है, बच्चों के मन में कोई स्वार्थ नहीं है। यदि बच्चे आकर के कभी कभी क्या होता है, आपका बाल खींचते हैं ना, और वो बाल खींचने के पीछे भी आपको दुखाना नहीं होता है, बच्चों की सोच कुछ अलग ही होती है। तो कृष्ण जी की वो बाल लीला थी जिसमें उन्होंने माखन चोरी की लीला की। और ब्रह्म सृष्टियों की लीला क्या चल रही थी उस समय, कृष्ण जी से प्रेम की लीला। और कृष्ण जी से ब्रह्म सृष्टियों ने उस समय जो प्रेम की लीला की वो तो आज भी अनुकरणीय है। जागनी के ब्रह्मांड में भी इंद्रावती जी क्या कहती हैं, ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगारंभ कष्ट जो देखाई ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। ब्रज रास में हमने जैसी चाल चली वो चाल आज भी ब्रह्म सृष्टियों की चाल होनी चाहिए। वहाँ पर हम अलग से बैठ करके ध्यान नहीं करते थे, लेकिन पूरी प्रक्रिया ही ध्यानमय होती थी। जैसे ध्यान का अर्थ क्या होता है सामान्य रूप में, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है उसमें निरंतर रूप से एकाग्रता होना, इसको कहते हैं ध्यान, अथवा इसी को कहा जाता है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का विषयों से रहित होना ध्यान कहलाता है। तो गोपियों का जो मन था वो विषयों से रहित था, और कृष्ण जी के साथ में एकतानता पूर्वक, एकतानता किसे कहते हैं,
वैसे तो मैं ये दृष्टांत भी पहले कई बार दे चुका हूँ, पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई जो आयुर्वेद का उपचार करने वाले लोग होते हैं ना, वैद्य होते हैं, ये एक प्रक्रिया करते हैं, इसको शिरोधारा कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसको लेटाया जाता है पीठ के बल पर, और उसके माथे के सीधा ऊपर थोड़ी दूरी पर एक पात्र लटकाया होता है। जैसे आजकल कांवड़ वाले लोटा, बड़ा सा लोटा होता है, उसमें पानी लेके जाते हैं ना, वैसा ही पात्र होता है, लेकिन उसमें होता है तेल, हल्का सा गुनगुना तेल होता है। अब उस बर्तन में नीचे से थोड़ा सा छेद होता है, तब क्या होता है कि जो तेल है उस छेद में से निरंतर गिरती रहती है, टपकती नहीं है, धारा के रूप में निरंतर गिरती है। तो उस समय देखने वाले व्यक्ति को क्या लगता है कि गिरते हुए दिखाई नहीं पड़ता, उनको लगता है कि कोई वस्तु है जो एक स्थिर होकर के टिकी हुई है, गिरती हुई नहीं दिखाई पड़ती है, बीच में किसी भी तरह से हिलना डुलना जैसा भी पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से जैसे झरने में से पानी निरंतर रूप से नीचे उसका बहाव होता है, उस बहाव की अवस्था को कहते हैं एकतानता। बीच में आधे के आधे एक चौथाई पल के लिए भी वो टूटती नहीं है। तो उस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, उस प्रकार की जो अवस्था है, उसको ध्यान कहा जाता है। तो ब्रह्म सृष्टियों ने ब्रज में ऐसे अलग से बैठ करके ध्यान चितवनी नहीं की थी, लेकिन पूरा का पूरा जो उनका जीवन था वह ध्यानमय था, क्योंकि कृष्ण जी के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था। आज तो हम चौपाई में कहने को तो कह देते हैं कि अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां निस दिन पीऊ 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 कहिए, ब्रजमंडल में करके दिखाया उन्होंने। कुछ भी कर रहे हैं माया का काम, लेकिन ध्यान उनका किन में बना रहता था? कृष्ण जी में। और इस तरह से ऐसा प्रेम चलते चलते धीरे धीरे क्या हुआ, माया का प्रवाह होता है ना, राज जी तो हमें ब्रजमंडल में क्यों लाए थे, माया दिखाने के लिए। तो माया का थोड़ा सा प्रभाव वो दिखाना चाह रहे थे, तो माया का प्रभाव अब धीरे धीरे जम रहा है। कैसे जम रहा है कि 11 साल की अवस्था हुई, अब संसार के जो पति हैं उन पतियों से हमारा लगाव बढ़ रहा है, और राज जी से, कृष्ण जी से हमारा लगाव थोड़ा कम हो रहा है। विभिन्न चीजें उसमें जुड़ रही हैं। और एक दिन हमने क्या किया, कृष्ण जी 11 वर्ष के हुए, हम सभी को बांसुरी बजा करके उन्होंने बुलाया और कहा कि सखियों चलो वृंदावन चलते हैं। संध्या का समय था, हमने क्या कहा कि वाणी में इसी संदर्भ में कुछ चौपाइयाँ आती है, हमने उनको कहा कि गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, तू कामी कछु न देखहीं पर सासुड़ी दिए मोहेगार, कि तू दुष्ट है, हे कन्हैया कृष्ण तू दुष्ट है और तू हमें गलियों में रोकता रहता है, तू जरा सा भी विचार नहीं करता, तू कामी है, निर्लज्ज है, तू खुद तो कुछ नहीं देखता, तुझे लाज शर्म तो नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम है कुलवधु नार, अर्थात कुलवधु कहते हैं कुल की वधु को, पतिव्रता स्त्री को, तो हम पतिव्रता पत्नियां हैं और तेरी हरकतों की वजह से हमें सास गाली देते हैं, घर के लोग हमें गाली देते हैं, डांटते हैं, इसलिए आज से तू कभी भी हमें मत बुलाना। अब कृष्ण जी को भी बुरा लगा, उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद अब न मैं तुम्हें बांसुरी बजा करके बुलाऊंगा न तुम आना। अब दोनों में इस तरह से संधि हुई कि न कृष्ण जी बांसुरी बजा के बुलाएंगे और न उनके बुलाए बिना हम जाएंगे। कृष्ण जी ने तो अपनी बांसुरी भी तोड़ दी। अब जोश जोश में कह तो दिया
लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे बुरा लगना शुरू होता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि 11 वर्ष का प्रेम है। वैसे तो प्रेम जो है हमारा राज्य से अनादिकाल से है, पर इस कालमाया के ब्रह्मांड में 11 वर्ष का प्रेम है उस बालक के साथ भी। तो अब पहले बुरा लगा, झगड़ा किया, और धीरे धीरे अब वही जो बुरा लगना दुख में बदला, और वही दुख धीरे धीरे तड़प में बदले। हम वाणी में क्या कहते हैं, दुख थे विरह उपजे, है ना। तो अब हमारे अंदर वो विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। अब हो रहा है कि हमें कब बुलाएं, लेकिन माया का प्रभाव भी है कि हम क्यों जाएं। कृष्ण जी को भी लगता है कि क्योंकि हम सोच रहे हैं ना अलग भाव से। राज जी तो क्या कहते हैं, रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन। तो हम भले ही रह जाते हैं, लेकिन राज जी तो अंदर से तड़प ही रहे हैं। लेकिन हमें भी माया की थोड़ी पहचान करानी है, हमारी भी हंसी करानी है। तो राज जी ने 52 दिन तक तो बांसुरी नहीं बजाई, हम भी तड़पते रहे, और तड़प तड़प करके हमारा जो जीव है अब वो निर्मलता की उस पराकाष्ठा पर पहुंचा कि वो योग माया में प्रवेश कर सकता था। योग माया में प्रवेश करने के लिए, अखंड में प्रवेश करने के लिए हमारे पूरे विकार समाप्त होना जरूरी है। वाणी क्या कहती है कि जोग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। जब तक हम अपने गुण अंग इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करते, तब तक प्रेम के पात्र नहीं हो सकते। अब विरह में तड़प तड़प करके गुण अंग इंद्रियों का मायावी स्वाद क्या होता है वो कुछ नहीं पता। तो अब हम प्रेम के पात्र बने। तो राज जी ने शरद मास के पूर्णमासी के दिन इस कालमाया के तन को, जो 11 वर्ष 52 दिन का हो चुका था, उस तन को छोड़कर योग माया में जाकर के प्रवेश किया, और वहां जाकर के बांसुरी बजाई। भागवतकार क्या कहते हैं कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनः चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया, और योग माया में जाकर के कौन सा तन था वहां पर, कहते हैं जहुर गुणमयम देहम। ये जो त्रिगुणात्मक शरीर था उसको छोड़ करके वहीं का जो गुण है, वहां का गुण क्या है, वहां नूरी अथवा प्रकाशमान शरीर है, चेतन शरीर है, ऐसा तन उन्होंने धारण किया। 16 वर्ष के किशोर का तन उन्होंने धारण किया और बांसुरी बजाई। आज हर भागवतकार जो भागवत की कथा करता होगा, रास की व्याख्या करेंगे अगर वो, तो इन दो श्लोकों को गा गा करके वर्णन करेंगे। एक जो मैंने पहले कहा भगवान अपि तारात्रि, और दूसरा श्लोक है दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम। अखंड मंडल के विषय में बात करेंगे। नव कुमकुम आरुणम वनम च तत्को मलगोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। इन दो श्लोकों का बहुत जोर जोर से लंबे लंबे समय तक गायन किया जाएगा, लेकिन तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण किसी को यह पता ही नहीं चलता कि योग माया क्या है, वो अखंड मंडल क्या है। और फिर दुनिया का कितना भी बड़ा भागवतकार हो, भले ही उसके अंदर भाव कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको ये पहचान नहीं होती कि रास की लीला कहाँ हुई थी। वो तो यहीं के वृंदावन को दिखा देता है, कोई कहता है कि यहाँ का जो निधि वन है उसमें रास की लीला हुई थी, कोई यहीं के वृंदावन की बात करता है। यदि यहाँ के वृंदावन की बात की जाए तो फिर ये अखंड कैसे हुआ। अखंड रास की बात करते हैं ना, तो अब तो चल नहीं रही है। और दूसरा कि ये ब्रह्मांड महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा, ऐसा भागवत का ही कथन है। तो उस समय वो योग माया, वो रास की लीला, वो ब्रज की लीला कहाँ रहेगी, इस विषय में तारतम्य ज्ञान से रहित होकर कोई भी नहीं सोच पाता है।
तो हम ब्रह्म सृष्टियों का वो सौभाग्य, हम पर राज्य की कृपा कि हमने उस योगमाया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश कैसे की? बांसुरी जब बजी तो कहते हैं जैसे ही बांसुरी बजी सबसे पहले तो तामसी सखियां पहुंची। अब जब ये तामसी राजसी और स्वातसी की बात आती है तो जो पहली पहली बार इस प्रसंग को सुन रहे हैं उनको क्या लगेगा कि ब्रह्म सृष्टि भी तमोगुणी होती है क्या? और अगर तमोगुणी को सबसे पहले राज्य के प्रेम मिलता है तो फिर हम भी तमोगुणी बन जाएं? ऐसा नहीं है। यहाँ उन ब्रह्म सृष्टियों को तामसी क्यों कहा गया? तमोगुण के कारण नहीं, स्वभाव के कारण। स्वभाव कैसा? तमोगुणी व्यक्ति के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि पूरी तरह से तमस में डूब चुका है। यहाँ जिन ब्रह्म सृष्टियों ने राज्य की बांसुरी की धुन सुन करके बिना कुछ सोचे समझे समर्पण किया कि राज्य ने बुलाया, क्योंकि 52 दिन की तड़प थी, तो उन ब्रह्म सृष्टियों को तामसी सखी कहा गया। तो सबसे पहले तामसी गई, उसके बाद राजसी सखी गई। राजसी किसे कहते हैं? रजोगुणी नहीं, राजसी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका स्वभाव थोड़ा शरीर के साथ जुड़ा होता है, शरीर को सजाने में, संवारने में, सुंदर दिखने में। तो जिन सखियों ने सोचा कि देखो इतने लंबे समय के बाद हम हमारे प्रियतम से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा दिखे, प्रियतम के लिए थोड़ा सज धज करके जाएं, तो हमने श्रृंगार करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वो प्रेम की तड़प ऐसी थी कि श्रृंगार आधा अधूरा हुआ और करते करते तड़प करके तन छोड़ दिया, श्रृंगार पूरा नहीं हो पाया। सत्वगुणी व्यक्ति बहुत सोच विचार करता है, किसी को डांटना भी होगा तो सोचेगा कि मैं डांटूंगा तो इसको बुरा तो नहीं लगेगा, इसका परिणाम क्या होगा। कुछ काम शुरू भी करना होगा तो बहुत शांति से करेगा। अब वैसे दुनिया के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पित होते हुए हमें कुछ सोचना नहीं होता है। जहाँ हिसाब किताब करने लग गए, परिणाम की बात करने लग गए, तो वहाँ तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता है। तो प्रेम में लेना देना नहीं होता है, प्रेम में केवल देना देना होता है। अब जिन ब्रह्म सृष्टियों ने ये सोचा कि बांसुरी तो बज रही है लेकिन घर पर पति हैं, सास ससुर क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, पहले तो ये सोचा, लेकिन उसके बाद रहा नहीं गया और घर छोड़ करके भागे। अब हुआ क्या कि कई लोग तो घर से बाहर निकल करके भागे, और कहा जाता है कि कई ब्रह्म सृष्टियों को इस तरह से भागते हुए देख करके, गोपियों को भागते हुए देख करके, कुछ लोगों ने तो अपनी बहुओं को बाहर से कुंडी भी लगा दी, लेकिन उन्होंने भी तड़प तड़प करके वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया और वे सब जा करके योग माया में मिली। और जब योग माया में प्रवेश किया, वहाँ के जो तेजोमयी तन है, जैसे मैंने पहले कहा कि भागवत में कहा जहुर गुणमयम देहम, तो वहाँ का जो नूरी शरीर था उसको धारण किया और अब कृष्ण जी के सामने आए, रास वाले कृष्ण जी के सामने। अब प्रेम और समर्पण की एक अंतिम परीक्षा बची है, तो कृष्ण जी कहते हैं कि गोपियों तुम तो कुल वधु अथवा पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री को अपना पति चाहे कैसा भी हो, चाहे कामी व्यक्ति हो, चाहे क्रोधी हो, बात बात पर चिढ़ने वाला हो, रोगी हो, लूला लंगड़ा अंधा बहरा कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री को अपना पति नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम रात्रि के समय में मेरे पास क्यों आई? अब सभी गोपियों ने क्या जवाब दिया कि कहते हैं कि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पतिव्रता स्त्री का जो पति है कैसा भी अवगुण वाला, कितनी भी बुराई वाला क्यों ना हो, लेकिन उस बुराई वाले पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी बात सही है, पर वे सब तो हमारे शरीर के पति हैं,
आप परब्रह्म है, परमात्मा है, और आपके साथ हमारा संबंध है आत्मा के साथ। आप हमारे आत्मा के प्रियतम हैं, आप हमारे आत्मा के पति हैं, और जब अवगुण वाले पति को नहीं छोड़ा जा सकता तो आप तो हमारे गुणी हैं। तो रास की वाणी कहती है, अवगुण पति न मुकिए तो गुणी मुकिए केम। जब अवगुणी पति को नहीं छोड़ा जा सकता है तो गुणी पति को कैसे छोड़ा जाए। अब उन्होंने अपनी पहचान का परिचय दिया कि उन्हें श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान हो चुकी है, तो उसके बाद वो प्रेममयी रास के अधिकारिणी बन पाई। अब रास शब्द की जैसे ही चर्चा प्रारंभ होती है तो दुनिया इसको अपने संसारिक विषय वासनाओं युक्त बुद्धि के साथ कैसे लेती है कि देखो कृष्ण जी ने गोपियों के साथ में रास लीला की, तो अनेक गोपियां थी इस संसार में। जब कृष्ण जी भगवान होकर ऐसा कर सकते हैं तो हम एक पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से प्रेम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा संसार के लोग प्रश्न पूछते हैं। देखिए कृष्ण जी ने जिन गोपियों के साथ प्रेम किया वो कृष्ण कौन है, हमारे जैसा लौकिक व्यक्ति नहीं है। और इस संसार में उनका प्रेम शरीर परक नहीं है, शरीर वाला प्रेम नहीं है, परमात्मा प्रेम का सागर है। और उसके प्रेम का जो सागर है हृदय में, उसका जो प्रकटीकरण स्वरूप है, रास का अर्थ क्या होता है, रसो वई सह रासह, रस का अर्थ होता है आनंद। तो उन्होंने जो गोपियों को प्रेम दिया, जो आनंद की अनुभूति कराए, उसको रास कहा गया है। इसको हम शरीर के प्रेम के रूप में ना लें, लेकिन संसार में लोगों को समझाने के लिए भागवत ग्रंथकार ने, क्योंकि उसके पास दुनिया में प्रेम को समझाने का कोई साधन ही नहीं है। इस संसार में यदि किसी को कहना हो कि हम इस फलाने व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो कैसे प्रेम करेंगे, व्यक्त तो शरीर से ही होता है ना, लेकिन शरीर से प्रेम का तात्पर्य केवल काम वासना से युक्त प्रेम नहीं होता है। एक माँ अपने बच्चे को गोदी पे उठाती है, उसके मुख का चुंबन भी करती है, उसके गालों को चूमती है, उसके माथे को चूमती है, तो उसके मन में 1% भी विकार नहीं होता है। तो सोचिए कि एक माता और पुत्र का प्रेम निर्विकार हो सकता है, तो ब्रह्म तो त्रिगुणातीत है, उसके अंदर विकार की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जा सकती है। लेकिन संसार के जो लोग अपनी जिस बुद्धि से सोच रहे हैं उनकी बुद्धि ही कैसी है, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित, इसीलिए वे अपने विकार युक्त मनोविकार को या तृष्णा को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे बहाने, ऐसे ऐसे उदाहरण ढूंढते हैं, और कृष्ण जी तथा गोपियों के प्रेम को इस संसार की तृष्णा का, इस संसार के क्षणिक सुख का, इंद्रिय जनित सुख का नाम देते हैं। वो रास नहीं है, रास निर्विकार प्रेम है। एक पिता अपने पुत्र से प्रेम प्रकट करना होगा तो या तो वो उसके सिर पर माथे पर हाथ फेरेगा अगर पुत्र बड़ा हो गया हो, तो यदि बहुत ज़्यादा भावुक होगा तो वो गले लगाएगा, भाई भाई को गले लगाता है। तो प्रेम को प्रकट करने का साधन कहीं ना कहीं शरीर ही तो होता है ना, इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। पर इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त किए जाने वाला प्रेम भी हर प्रेम विकार युक्त नहीं होता है। तो इसलिए रास के प्रेम को कोई भी व्यक्ति इस संसार के विकार की दृष्टि से ना देखे। उस योगमाया के ब्रह्मांड में हमने अब रास की लीला की, कहते हैं ता पीछे आए रास में इंड जोगमाया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे। तो वहां पर विरह भी हुआ जिसको वियोग कहा जाता है, और विलास अर्थात आनंद की लीला भी हुई। विरह कैसे हुआ कि जब आनंद की लीला चल रही थी, आनंद की लीला कैसे, विभिन्न प्रकार के खेल हुए वहां पर। आप रास की वाणी पढ़ेंगे तो रास की वाणी में
कई प्रकार की रामतों का वर्णन आता है। वो रामत का अर्थ क्या होता है? जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलने में कितना आनंद आता है, खेलने वालों से पूछ के देखिए। तो विभिन्न प्रकार के खेल हो रहे थे और उसी बीच में अब राज्य को ये पहचान देनी है कि ये जो खेल हो रहा है प्रेम और आनंद की लीला भले ही हो, लेकिन ये परमधाम वाला प्रेम, परमधाम वाला आनंद नहीं है, तुम परमधाम में नहीं हो। तो राज जी ने क्या देखा? वाणी कहती है, फिर मूल स्वरूप देख्या इत ए दो मगन हुए खेलत। दो अर्थात अक्षर और ब्रह्मात्माएं दोनों खेल में मग्न है। अक्षर को लग रहा है कि मैं परमधाम में हूं और परमधाम में ब्रह्म सृष्टियों के साथ प्रेम की लीला कर रहा हूं। सखियों को लग रहा है कि हम परमधाम में और राज्य के साथ प्रेम की लीला कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ही ज्ञान नहीं है। तो राज्य ने अब क्या किया? जब जोश लियो खींच कर तब चित चौंक भई अक्षर। जब उन्होंने अपना जोश खींचा, अपनी शक्ति वहां से ली, अक्षर ब्रह्म चौंक गई। देखते हैं कि कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म। देखते हैं कि अरे ये मैं कौन हूँ, क्योंकि परमधाम में राज्य का स्वरूप अथवा अक्षर का स्वरूप कैसा है? वहाँ के वस्त्र भिन्न हैं, वहाँ कृष्ण जी के, वहाँ पर राज्य के घुंघराले बाल हैं और यहाँ सुथनी पहनी है, चोटी गुथी हुई है। तो उनको लगा कि ये तो भिन्न है। फिर उन्होंने सखियों को देखा कि ये कौन है, फिर देखा कि ये वृंदावन कौन सा है। तो सब देखा और चौंक गए, और जैसे ही चौंके वो अपने मूल तन में एक बार को पहुँचे। यो चौंक के फिरी आत्म। अब इधर क्योंकि ब्रह्मात्माओं का संबंध तो राज्य के साथ है, यो जो योग माया वाला तन है वो वहीं का वहीं है। राज्य ने अपने आवेश को खींच लिया है, वहां से हटा दिया है। तो अब ब्रह्म सृष्टियों के लिए जब राज्य ही नहीं रहे तो अब हम उनका विरह करने लगे कि राज्य कहाँ गए। और उनका विरह करते करते, खोजते खोजते, अब इंद्रावती सखी ने मन में यह भाव लिया। आप रास की वाणी पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से जान पाएंगे, मैं केवल संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तो इंद्रावती जी ने कहा कि कृष्ण जी को ब्रज की लीला अत्यंत प्रिय है, क्यों ना उसको दोहराया जाए। अब सब लोगों ने मिलकर के ब्रज की लीला का नाटक किया। कोई नंद बाबा, कोई यशोदा, कोई कंस, कोई अगासुर, बकासुर, पूतना, जो जो भी ब्रज लीला में प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के पात्र बने। इंद्रावती जी ने स्वयं कृष्ण जी का स्थान लिया और पूरी ब्रज लीला का नाटक करके एक जगह पर रेखा खींची गई। एक तरफ कालमाया का ब्रह्मांड, एक तरफ योगमाया का ब्रह्मांड। योगमाया की तरफ जा करके अब बांसुरी बजानी है। पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण के भाव से इंद्रावती जी ने पुकार की कि राजी आपकी इज्जत है आपके हाथ में, अब आप प्रकट हो जाइए। क्योंकि पहले एक अहंग था, अब पूर्ण शरणागति है, राजी प्रकट हो जाते हैं। अब सखियां पूछती हैं कि आप कहां पर थे, तो राजी कहते हैं कि मैं तो यहीं था, बस तुम्हारे और हमारे बीच में एक पेड़ आ गया था। वो पेड़ कौन सा? एक सूक्ष्म अहंकार रूपी जो पेड़ है, पेड़ मतलब बाधा, आड़ा, रुकावट। हमारे और परमात्मा के बीच में आड़ा क्या है? अहंकार ही तो है ना। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा, कहते हैं कि नहीं कहते? तो वही जो अहम था वो जब समाप्त हो गया, उसके बाद पुनः विभिन्न प्रकार की लीलाएं हुई। लीला के पश्चात फिर यमुना जी में स्नान हुआ। स्नान के पश्चात सब ने एक दूसरे को भोग लगाया, भोजन अरोगाया। और फिर राज्य ने पूछा कि सखियों वृंदावन कैसा लगा? हमने क्या कहा था कि शमशान घाट की तरह। शमशान घाट की तरह क्यों? तो कहते हैं कि यहाँ पर आपके और हमारे बीच में एक पल की ही सही, लेकिन जुदागी हुई थी। अब क्या करना है? तो कहते हैं, हवे वाला हूँ एटलू मागू, खिण एक अलग न थइए, जी हाँ अमने विरह नहीं, चालू ते घर जाइए। अब हे राज्य, आप हमें वहाँ लेकर जाइए जहाँ आपके और हमारे बीच में एक पल की भी जुदाई ना हो। अब ऐसा तो केवल परमधाम है, तो हम सभी पुनः परमधाम में जागृत होते हैं।
और जब हम परमधाम में जागृत हो गए, ब्रज और रास दोनों लीलाएं अखंड हुई। ब्रज की लीला कहाँ अखंड होती है? सबलिक के कारण में। और रास की लीला अखंड होती है सबलिक के महाकारण में। और अब क्योंकि हमारी खेल देखने की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है, जो दुख देखने की बात की थी ब्रजमंडल में तो हमने दुख देखा ही नहीं, तो किस तरह से अब इस काल माया के संसार में जहाँ दुख ही दुख है, जहाँ पर वियोग ही वियोग है, उस दुखमय खेल को देखने की भूमिका बनती है। कैसे हम इस काल माया के ब्रह्मांड में आते हैं और किस प्रकार तीसरे दिन की लीला अरब में मोहम्मद साहब के द्वारा होती है संकेत धर्म ग्रंथों में संकेत देने के लिए, और उसके बाद कैसे देवचंद्र जी का जन्म होता है, किस तरह से वो इस संसार में आकर के खोज करते हैं अपने आत्मा के प्रियतम की और हमें रास्ता दिखाते हैं, उन सब की भी तक हम सुनेंगे कल तथा उसके आगे वाले दिनों में। अभी के लिए समय पूरा होता है, सब मिलकर के चौपाई दो रहेंगे। ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, एह ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, जहां मोहम्मद आए रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।